विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कंटकडियाना, तंगरोटी, योल, घना, सरा, चैतड़ू, दाड़ी और रामनगर में बैठकों का आयोजन किया और जनता से सहयोग की अपील की। इस दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लंबित पड़े कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद धर्मशाला में भाजपा सरकार में कोई नया विकास कार्य होना तो दूर, पूर्व में शुरू किए गए कार्यों को भी लंबित रखा गया। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई भाजपा के कुशासन से चिंतित है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए वचनबद्ध है। सुधीर शर्मा ने कहा कि इसी कड़ी में लाखों परिवारों के भविष्य एवं आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी प्राथमिकता के तौर पर लागू करेगी। इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सुधीर शर्मा ने बुलंद आवाज में कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। बहरहाल आज हुई विभिन्न बैठकों में सुधीर शर्मा का कुनवा बढ़ता हुआ दिखा, जिसमें करीब 30 परिवार भाजपा का दामन छोड़ सुधीर शर्मा के साथ जुड़े। उज्जवल हिमाचल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।